कंट्रोल कंट्रोल, ओट मील लाएगा त्वचा पर निखार, ओट मील करेगा मोटापे की छुट्टी, ओट मील रखेगा बालों को हेल्दी, ओट मील खाइए सेहत बनाइए। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार ओट मील होता क्या है। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो ओट मील इतना चर्चित नहीं है, लोग इतना नहीं जानते, जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे हेल्थ फूड्स की। जी, काफी सारे हेल्थ फूड हैं जिसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन ओट मील शब्द ऐसा है कि शायद बहुत गिने चुने लोगों ने सुना होगा, और जो जानते हैं वही इसको खाते होंगे या अपनाते होंगे। देखिए, आप हमें बताइए इसका कारण क्या है कि इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन भारत में होता है। जैसे हमारे अन्य जो है अन्न होते हैं, जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, इसी तरह से ये भी एक प्रकार का अन्न है जिसको जई बोलते हैं, हिंदी में उसको जई बोला जाता है। विदेशों में काफी पॉपुलर है। जैसे कुछ चीजें अब भारत में पॉपुलर हो रही हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, हमारे यहाँ इतने लोग नहीं यूज करते, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से ओट मील, क्योंकि इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण है, तो इसका भी काफी प्रयोग है। सबसे बढ़िया इसमें क्वालिटी है जई का, जो आटा कह लीजिए इसको, या जई से बनाई हुई चीजें, या जई का दलिया इसको कह लीजिए आप। जई बिल्कुल जौ के जैसा ही पौधा होता है, और उसी तरह से उसके जो है अन्न होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो बहुत लाइट होता है, सुपाच्य जिसको हम बोलते हैं। हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी भोजन आप खाएं वो आराम से पच जाना चाहिए। अगर पच जाएगा तो आपको किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं करेगा। दूसरा, इसमें पोषण बहुत है, पौष्टिक है काफी। कैलोरीज की मात्रा इसमें कम होती है, लेकिन पोषण काफी होता है, विटामिन्स मिनरल्स काफी होते हैं, फाइबर इसमें बहुत होता है। हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको LDL बोलते हैं, उसको कम करने में बहुत अच्छा इसका एक रोल है। इसलिए हार्ट के लिए, हमेशा सुना होगा आपने कि ओट मील अगर खाएं, ओट मील का दलिया खाएं, इससे सीरियल्स भी बनते हैं, तो वो आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कुछ ऐसे भी चीजें पाई जाती हैं कि हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई अगर त्वचा है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, स्किन में काफी खुश्की रहती है, उसको ठीक करता है। पोषण की दृष्टि से बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो काफी सारे गुण इसमें हैं इस तरह के, जिनको कि हम स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज इसमें है, जो कि कैंसर की प्रिवेंशन में भी काम करता है। तो जई का दलिया कहिए इसको, या ओट मील कहिए, या ओट्स भी कहते हैं, इससे काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग अगर आप अपने खान पान में करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा, आपका जो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और इसके साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी नरिश करने में ये काफी फायदा करता है।